स्मरणीय ध्वजारोहण कार्यक्रम Thank you.
हमारे लोगों में
रात्रि हमारा महान भारत देश स्वतंत्र हुआ, तब से लेके आज तक लोकतंत्र लोकशाही भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर हो, तब से लेके आज तक हम लोकशाही के मार्ग से हमारा देश चल रहा है। स्वतंत्र दिलाने के लिए स्वतंत्र हमारा हक हमको मिलना चाहिए, इसका आंदोलन में हमारे कई महानुभव नेतागण हंसते हंसते फांसी पे गए हैं, पूरा जीवन बर्बाद किया है। ऐसे महानुभव का मैं नाम लेना चाहता हूं, इसका नाम राष्ट्रपिता हम बोलते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, हमारे भगत सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऐसे कहीं हमारे वीर जवानों ने उनकी जिंदगी दांव पे लगा दिया, उसके बाद हमें ये स्वतंत्र भी मिला है। स्वतंत्र की झांकी, हमारी स्वतंत्र हर साल को हम मनाते हैं, आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चा को इसका एक झुका रहे, स्वतंत्र का इतिहास मालूम रहे। इतिहास अगला रेड़ा इतिहास है, इसीलिए 15 अगस्त आज हम बिदर जिले में प्रसाद के बौछारों से में मना रहे हैं। सभी हमारे पुलिस वर्ग के टुकड़े ने तिरंगा को सलामी दिया है, हमारे सभी चुनाव प्रतिनिधि ने। मैं अभी ये जो COVID-19 पहले भी बोल चुका हूं, आज यहां कमी लोग क्यों है, यहां जोर से जलसा क्यों नहीं हो रहा है, ये कोरोना महामारी इसका अंत नहीं लग रहा है, ये क्या पाप का घड़ा है, कर्म का फल है, क्या चीज है। हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग पूरी रात उसको देख रहे हैं, लेकिन कोरोना ये बीमारी फैल रही नहीं है, इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, इसका पूरा विश्व हम तो परेशान है, पूरा विश्व अमेरिका बड़े बड़े ऐसे विश्व में अमेरिका स्ट्रांग बोलते हैं, वो भी परेशान है। तो कोरोना का हम सभी लोग आज 5-6 महीना हो रहा है, मार्च फरवरी ज्यादा हुआ, उसके कारण हमको असल में भी बंद करना पड़ा। तो आज तक इतना पीड़ा हुआ है, लेकिन हमारे डॉक्टरों ने हमें सलाह दिया है, हमें सुझाव दिया है, हमें कुछ बातों का हम प्रेस करना है, कुछ बातों का हम उसका पालन करना है। पालन कोई बड़ा नहीं है, पालन को पैसा देना नहीं पड़ेगा, वो पालन करने के लिए कोई युद्ध में जाना नहीं पड़ेगा, वो पालन करना पड़ेगा, मांस डालना पड़ेगा, कि मैं मांस निकाल दिया कभी बोलने को नहीं आता, ये मांस कमरे डालना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, सैनिटाइजर धोना लगाना पड़ेगा, पैसा लगा लगा के चिपड़ी जा रहा है, ये सभी हम इसका पालन हो। हमारे जिले में 3,345 कोरोना पॉजिटिव हुआ है, 2,300 रिकवर।
पर भी कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है, घर पे भी जा रहे हैं। हमारा जिला बड़े जैसा मारता जा रहा है, पूरे राज्य में तो 2 लाख के ऊपर आंकड़ा गया है। हम सभी का दायित्व है, हम सभी की ड्यूटी है इसको रोक लेने के लिए जो उपाय करना पड़ेगा उपाय हम करेंगे। हमारे सभी लोग पूरे ताकत से, हमारे जिला के सभी अधिकारी, हमारे चुनाव प्रतिनिधि बार बार मुझे फोन करते हैं, सर 15 दिन में मीटिंग लगाइए। उस दिन हमको हमारे माजी मंत्री जी फोन करके बोले, हर चीज हमें चर्चा हो रहा है। परसों एमपी साहब मतलब बड़े साहब हो रहे हैं, बताया कितना कंट्रोल हो रहा है, इस पर आप क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं सभी का दायित्व है, एक अधिकारी का दायित्व नहीं है, एक डॉक्टर का दायित्व नहीं है, एक आदमी का दायित्व नहीं है, आशा कार्यकर्ता, पुलिस अधिकारी, सभी हमारे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी हो, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूँ। उनके साथ में हम हाथ जोड़ के, मेरा टीचर हो, सभी मिलकर इसको हम एक करोना मुक्त विदर करने के लिए हम लोग आज 15 अगस्त के दिन हम लोग सभी शपथ ले, जितना हो सके। वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कानून में नहीं है, वो दिख रहा भी नहीं है, दिख रहा भी नहीं है। फिर भी डॉक्टर की सलाह, जो डॉक्टर हमें बोलते हैं उसका पालन करें, इसीलिए अभी मैं आगे जाता हूँ। ये बीदर जिला की महाजनता के आशीर्वाद से हमें सेवक के रूप में काम करने का आपने आशीर्वाद किया है, आपने मौका दिया है। और मेरे डिपार्टमेंट से जो जो काम हमने, गौ माता मेरी माता, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता कसाई खाना न जाए, इसलिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। और कर्नाटक के इतिहास में पहली बार प्राणी कल्याण मंडल का आपने स्थापना किया है कि राज्य में प्राणी का रक्षण हो। हर चीज से कहीं से फोन आता है, अकोले स्वतः सत्ता उसका रक्षा हो, इसीलिए हमने प्राणी कल्याण मंडल का स्थापना किया है। और अभी कल हमने एक फाइल साइन किया है शिवपुरे साहब के, उसका नाम है वार रूम। अभी कल हमको फोन किए थे कि एक बोलोर गांव में गाय हमारी गौ माता मर के पड़ी है, कोई देख रहा नहीं है, इसलिए आपने वार रूम बनाया। वार रूम गांव का आदमी, उसको टोल नंबर हम देंगे, वो फोन करेगा, बेंगलुरु के वार रूम में जाएगा और 4 घंटे में उस इलाके का डॉक्टर जाके ट्रीटमेंट करके वापिस मुझे वारों में फोन करेगा कि ये गांव में मैं गया था, अकुलवा के लिए सोचो भी उसका मैं ट्रीटमेंट करके आया। ऐसा ये भी एमपी साहब पहली बार कर्नाटक के इतिहास में आपके आशीर्वाद से भी मैं अभी आपको फाइल साइन कर दिया हूँ। 4-5 दिन में वो चालू हो जाएगा, 8 दिन में आगे पीछे हो सकता है, इसलिए इसके बाद में दूसरा और एक कर्नाटक इतिहास में और एक अभी आदमी कुछ हो गया, पंजरोटा बंद पाते हैं, पंजरोटा आती है हमको लेके जाती है तो हमारी गौ माता कहाँ जाए, इसलिए हमने एम्बुलेंस स्कैनिंग ऑक्सीजन थिएटर उसमें पूरा वो भी फोन नंबर हम दिए हैं। वो उन्होंने कर्नाटक जिले के सीएम साहब अली डोल से नहीं किया, अभी कैबिनेट के दिन एम्बुलेंस का जिला को एक एम्बुलेंस बीदर को भी है, बीदर को भी एक एम्बुलेंस हमने सरकार की ओर से प्रिविजन करके 15 भी हम रिलीज किए हैं, 16 उसके बाद और 15 सभी जिला के एम्बुलेंस रहेगा, ऐसा हमने हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हमने किया है। और दूसरा आने वाले असेंबली में ये हमारे सरकार का एजेंडा था, सभी कई राज्यों में गोहत्या निषेध कायदा लागू हुआ है, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, कर्नाटक में भी आने वाले विधानसभा में हम बिल लेके आने वाले हैं, गोहत्या निषेध कायदा करने वाले हैं। तो
जो हुआ नहीं वो करने वाले हैं। इसीलिए मैं अभी थर्ड पार्ट में जाता हूँ, क्या वो टाइम में करने दिया ना दिया था, वो टाइम हमने सरकार नहीं थी करने दिया, अभी हम करेंगे। तो हमारी सरकार का एक वर्ष हमारे 6 करोड़ जनता के आशीर्वाद से, हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे विकास पुरुष ये छोटो पर नेतृत्व में एक साल में कर्नाटक की 6 करोड़ का विकास हो, घर तक सरकार जाए, हर चीज में सरकार गरीबों को रक्षा करे, इसलिए हमारी सरकार। लेकिन ऐसा ही हम लोग ने सरकार में आए, पहले प्रगा बाद में फ्लड, फ्लड होके 119 तालुका का प्रवाह हुआ, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जाके विजिट करके पूरा मंत्रिमंडल जाके किसी को आदेश करके उस तालुके में जो जो है घर की व्यवस्था हो, रेल की व्यवस्था हो, बड़ा ब्रिज हो, उसका हमने काम किया है। केंद्र से 1,1869 करोड़ धनराशि प्राप्त हुई है, राज्य सरकार की ओर से 6,108 करोड़ का धनराशि खर्चा किया है। उसके बाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, फसल बीमा योजना हो, इसके अंतर्गत भी किसानों के सारे खाते में करने का हमने सेवा करने का काम किया है। एपीएमसी का कायदा किया गया है, सभी हमारे ऑफिसरगण, सभी हमारे किसान प्रतिनिधि आके बच्चों का मनोबल बढ़ाए, ये मेरी शुभकामना है। अपनी वंश को सभी मंचों पर हमारे एमएलसी एमपी का एमएलए का सभी का मैं स्वागत करता हूँ, दाहे बाएं बैठे मेरे भाइयों का तहे दिल से स्वागत करते हुए मेरे वाणी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो भारत माता की, और मंदिरा भारत माता की, भारत माता की, वंदे। हमारा हमारा सा
हजारों।